बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक कृतिका का दूसरा अध्याय पढ़ाने जा रही हूँ। इसका नाम है मेरे संग की औरतें और इसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। बच्चों, यह एक संस्मरणात्मक गद्यात्मक रचना है जिसमें कि लेखिका ने अपने संस्मरण के आधार पर अपने बचपन की कुछ बातें बताने का प्रयास किया है। यह बताया है कि उनके परिवार की जो स्त्रियाँ थीं वे प्रारंभ से ही कितने खुले विचारों की थी, कितना ज़्यादा उन्हें आज़ादी के लिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जुनून था। यह बहुत ही रोचक पाठ है, आपको पढ़ने में बहुत ही आनंद आएगा। चलिए बच्चों, पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। मेरे संग की औरतें, यानी कि मेरे साथ की महिलाएं। तो इस पाठ में लेखिका ने अपने परिवार की महिलाओं के बारे में बताया है कि किस प्रकार से वे बहुत ही स्वतंत्र विचारों की थीं। तो मेरी एक नानी थी, जाहिर है जिस प्रकार से सबकी नानियाँ होती हैं उसी तरह से लेखिका भी की भी नानी थी, तो ये बहुत सामान्य सी बात है। पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। लेखिका ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा था? क्योंकि मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि उनका देहांत हो गया था। शायद नानी से कहानी ना सुन पाने के कारण बाद में हम तीन बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। इन्होंने नानी से कहानी नहीं सुनी, सभी बच्चे अपनी नानी से कहानी सुनते हैं, इसी के कारण ये मजाक में कहती हैं कि शायद हम तीन बहनों को कहानियाँ लिखनी पड़ी। अब यह क्यों कहा है तीन बहनों को? क्योंकि लेखिका की दो बहनें और हैं जो कि बहुत ही नामी साहित्यकार हैं, बहुत ही नामी लेखिकाएं हैं। तो इसी कारण लेखिका ने कहा कि हमारी तीन बहनों को कहानी इसीलिए कहनी पड़ी क्योंकि हमें नानी से कहानी सुनने को नहीं मिली थी। नानी से कहानी भले ना सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी। नानी ने तो हमें कहानी नहीं सुनाई, लेकिन नानी की खुद की कहानी हमने खूब सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। और वह कहानी जो हमने बचपन से हम सुनते आए थे, लेकिन बहुत बड़े हो गए तब हमें उस कहानी का असली मर्म, उस कहानी का जो मूल भाव था वह समझ में आया। वह कहानी क्या बताना चाहती थी नानी के व्यक्तित्व के बारे में हम बहुत बाद में जा करके समझे। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी। शुरू में तो यह केवल इतना ही जानती थी कि इनकी नानी सामान्य महिलाओं की तरह पारंपरिक, ऐसी महिला जो कि घर का काम करती है, बच्चों का पालन पोषण करती है, इसके अलावा अनपढ़, क्योंकि उस समय महिलाओं को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था इसलिए वे अनपढ़ थीं, और पर्दानशी यानी कि पर्दा करने वाली, घूंघट करने वाली महिलाएँ थीं। आज से 100 वर्ष पहले महिलाओं की जो स्थिति थी उसके अनुसार वे बहुत सामान्य सी महिला थीं, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। तो इनकी नानी के पति यानी कि लेखिका के नाना जब विवाह हुआ था उसके तुरंत बाद ही अपनी पत्नी को छोड़कर के विदेश चले गए थे बैरिस्ट्री यानी कि वकालत पढ़ने के लिए। उस समय बहुत सारे बच्चे हमारे देश से वकालत पढ़ने के लिए विदेश जाया करते थे। इसका कारण यह था कि हमारे देश में वकालत की पढ़ाई नहीं थी। तो इसी प्रकार से इनके नाना भी वकालत पढ़ने के लिए विदेश चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, तो अब वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, जो कि संसार का बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही बड़ा विश्वविद्यालय है, वहाँ से डिग्री लेकर के, वहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी करके और स्नातक की डिग्री लेकर के जब वे वापस भारत लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, और विलायत के जो लोग होते हैं उन्हीं की तरह से वे यहाँ पर भी अपना जीवन यापन करने लगे, यानी कि वे बिल्कुल साहबों की तरह से रहा करते थे। नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन नानी उनके रंग में नहीं रंगी। नानी का अपना जो पुराना रहन सहन था उसी रहन सहन के अनुसार वे रहती रहीं। ना उन्होंने अपनी किसी इच्छा आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया, ना ही उन्होंने अपने पति से कभी यह कहा कि मुझे यह पसंद है, यह नापसंद है, मेरी यह इच्छा है, मेरी यह अनिच्छा है। वे सामान्य रूप से जैसे पहले रहती थी वैसे ही पति जब लौट करके आए और पूरे अंग्रेजी ढंग में रंगे हुए थे उसके बाद भी वे उसी तरह से रहती रहीं।
पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो, लेकिन जब नानी की उम्र कम थी उसी समय उन्हें ऐसा लगा कि अब तो उनकी मृत्यु उनके करीब है, यानी कि बहुत जल्दी उनकी मृत्यु होने वाली है। तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंहजौर हो उठी। तो जब उन्हें ऐसा लगा कि उनकी मृत्यु निकट है, तो उनके केवल एक ही पुत्री थी जो कि लेखिका की माँ थी और उसकी उम्र उस समय केवल 15 वर्ष थी। तो अपनी बेटी की शादी की उन्हें इतनी ज़्यादा चिंता लगी कि वे एकदम से मुंहजौर हो उठी। मुंहजौर का अर्थ होता है बहुत बोलने वाली। ऐसे व्यक्ति को मुंहजौर कहा जाता है जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। तो एकदम से उनका मुंह खुल गया जब उन्हें अपनी बेटी की शादी की चिंता हुई, क्योंकि उन्हें यह अंदेशा था कि उनके पति जो कि साहब हैं वे कभी भी उनकी बेटी के लिए अच्छा लड़का नहीं ढूंढ पाएंगे। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। तो नाना से उन्होंने कहा कि मैं आपके दोस्त प्यारे लाल शर्मा से मिलना चाहती हूँ, जबकि वे पर्दा करती थी। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो ऐसी मांग रखी, यह उस समय के हिसाब से बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी। सब दंग हैरान रह गए। यह बात सुनकर के सब हैरान रह गए, सब आश्चर्यचकित रह गए। जिस पर्दानशी औरत ने पराए मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की, वह स्त्री जो कि सबसे पर्दा किया करती थी, उसने पराए मर्द यानी कि किसी दूसरे पुरुष से तो कभी बात की ही नहीं थी, यहाँ तक कि अपने पति से भी उसने कभी मुंह खोलकर अच्छी तरह से बात नहीं की थी। आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है, अब उसका अंतिम समय है। तो इस समय वह किसी पराए व्यक्ति से, पराए पुरुष से और अजनबी से क्या बात करना चाहती है, इसे सोच करके सब हैरान परेशान हो गए। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। लेकिन जो नाना थे वो बहुत समझदार थे और खुले विचारों के भी थे, इसीलिए उन्हें मालूम था कि वक्त की कमी है। किसके पास वक्त की कमी थी, लेखिका कि नानी के पास वक्त की कमी थी, उनकी मृत्यु होने वाली थी, और मौके की नजाकत और जो परिस्थितियां थीं उन परिस्थितियों की उन्होंने लाज रख ली और अपनी पत्नी की बात अपने मित्र से करवा दी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए। वे तुरंत अपने मित्र को ले आए और बीबी के हुजूर में पेश कर दिया और अपनी पत्नी के सामने पेश कर दिया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज है था। अब इसके बाद नानी ने जो कहा वह और भी ज़्यादा हैरत अंगेज था, और भी ज़्यादा चकित कर देने वाला था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे, कि मैं, मेरी मृत्यु होने वाली है और मुझे आप यह वचन दीजिए कि मेरी बेटी के लिए वर आप तय करेंगे, यानी कि मेरी बेटी का जो पति होगा वह आप ही निश्चित करेंगे, उसे आप ही पसंद करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं, क्योंकि मेरे पति वे तो साहब हैं, वे तो अंग्रेजों के रंग में रंगे हुए हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमावदार से हो, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो साहबों का यानी अंग्रेज़ों का फरमावदार आज्ञाकारी हो। फरमावदार का अर्थ होता है आज्ञाकारी, यानी कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं करूँगी जो कि अंग्रेज़ों की बात मानता हो, अंग्रेज़ों के रंग में रंगा हुआ हो और अंग्रेज़ों का आज्ञाकारी हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा, क्योंकि लेखिका के जो नाना थे वे तो अंग्रेज़ों के साथ रहते थे, स्वयं भी अंग्रेज़ों की तरह से ही रहा करते थे। तो लेखिका की नानी को उन पर भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने लेखिका के नाना जी के जो मित्र थे उनसे कहा कि आप, क्योंकि आप स्वयं स्वतंत्रता सेनानी हैं, तो अपना जैसा ही कोई देश की आज़ादी से प्यार करने वाला लड़का ढूंढ करके मेरी बेटी की शादी करा दीजिएगा।
कौन कह सकता था कि अपनी आजादी से पूरी तरह बेखबर। अब लेखिका की जो नानी थी वे अपनी आजादी से तो पूरी तरह बेखबर थी, अपनी आजादी की तो उनको कोई चिंता नहीं थी। वे बिल्कुल पारंपरिक महिलाओं की तरह से घर में रहा करती थी, घर के काम करती थी, अपनी आजादी के बारे में वे कुछ भी नहीं जानती थी। उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा, लेकिन उसी औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून था कि वह यह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी की शादी किसी साहब से हो, किसी अंग्रेज़ों के वफादार से हो। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जिंदगी में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। बाद में लेखिका को लगा कि वे अपने निजी जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत आज़ाद ख्याल होंगी, बहुत स्वतंत्रता को पसंद करने वाली रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, नाना को उनकी ज़िंदगी उसी के अनुसार जीने दी, ना उसमें साझेदारी की, लेकिन उसमें कोई साझेदारी भी नहीं की। नाना की जो ज़िंदगी थी वह अलग तरीके की थी, वैसी ज़िंदगी उन्होंने अपनाई भी नहीं, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती ज़रूर रहीं, लेकिन खुद की ज़िंदगी को उन्होंने अपने तरीके से ही जिया। जिस तरीके से वे जीवन जीना पसंद करती थी उसी तरीके से उन्होंने जीवन जिया। पारंपरिक, परंपरागत, जैसा सामान्य रूप से होता रहता है, घरेलू, उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ ना रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर ना होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। लेखिका की नानी बहुत ही परंपरागत जीवन जीती थी, जो कि बिल्कुल सामान्य था। सुबह उठे, घर का काम किया, बच्चों को पाला, सफाई की, खाना बनाया, इसमें कुछ भी क्रांतिकारी नहीं था, कोई भी रोमांचक काम नहीं था, कोई भी इसमें बहुत जोश वाला काम नहीं था, बहुत ही उबाऊ काम था। लेकिन फिर भी अपने जीवन को उन्होंने अपने अनुसार जिया, यानी कि किसी और से प्रभावित हुए बिना वे अपने पति से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई और अपने पति के अनुसार उन्होंने अपने जीवन को नहीं ढाला। यही उनकी स्वतंत्रता के प्रति प्रेम था। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई। होनहार जो कि बहुत ज़्यादा, जिसका भविष्य अच्छा होता है, जो कि बहुत ही होशियार होता है, उसे होनहार कहा जाता है, जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था। तो ऐसे लड़के से लेखिका की माँ का विवाह हुआ जिसने कि आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया था, और इस कारण उसे ICS के इम्तिहान में, यह एक बहुत बड़ी परीक्षा होती थी जिसके द्वारा भारत में अभ्यर्थी को बहुत ऊंचा पद प्राप्त होता था, लेकिन उन्हें यह इम्तिहान इसलिए नहीं देने दिया गया क्योंकि उन्होंने आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया था और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक भी नहीं था, और जो बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखता था, उसके जेब में पुश्तैनी यानी कि पुरानी पीढ़ियों से कोई भी रुपया पैसा या जमीन जायदाद की उसको प्राप्ति नहीं हुई थी। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊँचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। अब इनकी जो माँ थी वह तो बहुत अच्छी तरह से पली बढ़ी थी, अकेली बेटी थी, पैसे वाला परिवार था, पिता साहब थे, माँ थी वह भी बहुत समझदार थी और बहुत ही प्यार से वे पली बड़ी थी, लेकिन उनका विवाह ऐसे परिवार में हुआ जहाँ की उन्हें सादा जीवन, उच्च विचार रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनकी आयु तो बहुत कम थी, तो इस कारण से उनकी स्वयं की समझ तो कुछ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन क्योंकि परिवार ऐसा था इसलिए उन्हें भी सादा जीवन व्यतीत करना पड़ा। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती। अब उन्हें खादी की साड़ी पहननी पड़ती थी क्योंकि उस समय देश में स्वतंत्रता आंदोलन का बहुत जोर था, उसके खुद के पति भी स्वतंत्रता सेनानी थे, तो खादी पर विशेष जोर था। तो खादी की साड़ी, लेकिन बहुत मोटा कपड़ा होता है खादी, तो खादी की साड़ी बहुत भारी होती है, और वह साड़ी उन बेचारी को पहननी पड़ती थी तो उनकी कमर चनका खा जाती, यानी कि कमर में दर्द हो जाया करता था। रात रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, रात में जागकर के वे उस साड़ी को पहनने का अभ्यास करती थी जिससे दिन में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, जिसके कारण दिन में वे ठीक से उस साड़ी को पहन पाएं।
वे कुछ ऐसी नाजुक थीं कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छींके पर टांग दी। तो वे बहुत ही नाजुक मिजाज थे, बहुत ही नाजुक सी, बहुत ही सुंदर सी थी वे। तो वो ऐसी थी कि इनकी दादी ने कहा था कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छींके पर टांग दी, यानी कि यह किसी भी काम की नहीं है, बस धोया पोंछा और छींके पर टांग दिया। छींका एक ऐसा स्थान होता है जिसे कि रस्सियों से बनाया जाता है और वहाँ पर ऐसी वस्तुएँ रखी जाती हैं, दूध, दही, मक्खन जैसी, जिसे कि बिल्ली वगैरह ख़राब ना कर दें। तो वे अपनी बहू के बारे में भी ऐसी ही राय रखती थी कि यह कोई काम नहीं कर सकती, इसे तो बस सुंदर सजा करके छींके पर टांग दिया जाना चाहिए। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। यही एक गनीमत थी, यही एक अच्छी बात थी कि किसी ने भी उन्हें छींके से उतारने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनका स्वभाव ही, वे बहुत ही नाजुक स्वभाव की थी, उन वे घर का काम वगैरह करना नहीं जानती थी। क्यों नहीं कि उसकी दो वजह थी। अब इसके दो कारण थे, क्योंकि सामान्य रूप से घर में बहू से क्या अपेक्षाएं की जाती हैं, यही अपेक्षाएं की जाती हैं वह सुबह जल्दी उठे, घर का पूरा काम करे, सफाई करे, खाना बनाए और बिल्कुल सजी संवरी अच्छी सुंदर दिखा करे। तो यह उम्मीदें बहू से की जाती हैं, लेकिन इनकी जो माँ थी उनसे इस तरह की उम्मीदें नहीं की गई। इसके दो कारण थे। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम वाशिंदों की तरह, तो हिंदुस्तान के जितने भी निवासी हैं उन निवासियों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे। अभिभूत का अर्थ होता है प्रभावित। तो क्योंकि लेखिका के जो नाना थे वे साहब थे और इनका जो परिवार था वह उनसे बहुत प्रभावित था, तो एक कारण तो यह था। और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे, क्योंकि वे विदेश में बहुत समय रहे थे और विदेश से वापस आने के बाद भी वे साहबों की तरह से ही रहते थे, इसलिए वे पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। तो इनके जो नाना थे वे पूरे अंग्रेज माने जाते थे और उस समय अंग्रेजों का दबदबा तो था ही, इस कारण से इनके परिवार में इनकी जो माँ थी उनका भी बहुत दबदबा था। मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। तो हमारे देश में जो आज़ादी की जंग लड़ा करते थे वे भी अंग्रेज़ों के प्रशंसक थे। गांधी नेहरू भी अंग्रेज़ों के काफ़ी प्रशंसक थे, या मेरे पिताजी के घर वाले। और इसी तरह से इनके पिताजी स्वयं स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन उनके घर वाले भी अंग्रेज़ों के बहुत प्रशंसक थे, उनसे डरते थे, उनका दबदबा मानते थे। भले ही लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, चाहे अपने घर का लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़े, खूब शोहरत हासिल कर ले, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। लेकिन घर में दबदबा किसका था? दबदबा उस लड़के के साहबी ससुर का ही था, यानी कि घर में बात उसी की मानी जाती थी। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिर फिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी, क्योंकि घर वाले तो इस बात से ही बहुत प्रभावित थे कि एक आन बान वाले साहब ने, एक अंग्रेज ने जो कि बिल्कुल अंग्रेजों की तरह रहते हैं, उन्होंने इनके सिर फिरे पागल जैसे लड़के के हाथ अपनी नाजुक सी लड़की सौंप दी है। इसी बात से पूरे घर वाले बहुत प्रभावित थे। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती? क्या कोई परियों की कहानी भी इससे ज़्यादा रोमांचक हो सकती है, इससे ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाली हो सकती है? नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी। नानी की जो आखिरी ख्वाहिश थी वो सनक भरी हुई थी, ये कह सकते हैं कि उन्होंने पागलपन में ही वह ख्वाहिश रखी थी, और नाना की रजामंदी, और नाना ने उस ख्वाहिश को मान लिया, नाना ने उनकी उस अंतिम इच्छा को पूरा किया। वे रोमांचक उपकथाएं थी, वे भी रोमांचित कर देने वाली छोटी छोटी कहानियां थी जो कहानी के तिलिस्म को यानी कि जादू को और गाढ़ा बना चुकी थी, जो कि कहानी को और ज्यादा जादुई बना चुकी थी।
दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। दूसरी जो वजह थी जिसके कारण परिवार में इनकी माँ की इतनी चलती थी, इतना दबदबा था, उसका कारण उनका खुद का व्यक्तित्व था, खुद की उनकी शख्सियत ऐसी थी। उनमें खूबसूरती, वे बहुत खूबसूरत थी, नजाकत, वे बहुत ही नाजुक थी, और गैर दुनियादारी और दुनियादारी के से बिल्कुल अलग थी। सामान्य लोग जैसे होते हैं वैसी वे नहीं थी। के साथ में ईमानदारी, उनके अंदर बहुत ज़्यादा ईमानदारी थी, और निष्पक्षता, यानी कि बिल्कुल निष्पक्ष रहना, किसी से भी प्रभावित ना होना। कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम होती थी। उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था कि वे परी ही मालूम होती थी, वे बिल्कुल जादुई दिखाई देती थी, क्योंकि उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसे गुण थे जो कि सामान्य लोगों में नहीं होते हैं। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। उनसे घर के ठोस काम और मेहनत वाले काम करवाने के लिए कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम कराने के लिए उनकी जवानी राय जरूर मांगी जाती थी, लेकिन परिवार में कोई भी निर्णय होता था, चाहे वो ठोस काम हो चाहे वो हवाई काम हो, यानी कि काल्पनिक काम हो, तो उनसे राय मशवरा जरूर लिया जाता था, और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। और वे जो राय देती थी, वह जो अपनी सलाह देती थी, उस सलाह को पूरा परिवार मानता भी था, बिल्कुल पत्थर की लकीर की तरह, यानी कि पक्की तरह से उनकी बात मानी भी जाती थी। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल है। तो बच्चों, एक पुरानी कहावत है कि हाथी से बैल का काम नहीं कराया जाना चाहिए, क्योंकि हाथी हाथी का काम करता है और बैल बैल का काम करता है। तो यही इनकी दादी कहा करती थी कि हमारे पास बैल हैं बैल का काम करने के लिए, इसलिए हम हाथी से हल नहीं जुतवाते। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था। बचपन से ही लेखिका इस बात को समझ गई थी, जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालु परवरिश के मामले में, किन बच्चों की ममतालु, ममता से भरी हुई परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद, यानी कि तैयार रहा करते थे। इन्होंने देखा कि माँ के अलावा घर के सारे लोग इन बच्चों की परवरिश करने में, इनको पालने पोसने में बिल्कुल तैयार रहा करते हैं। दादी और उनकी जिठानियां ही नहीं, खुद दादी इनको पालती पोसती थी, उनकी जिठानियां इनको पालती पोसती थी, बल्कि खुद मर्द जात जो कि स्वयं पुरुष थे, पिताजी भी, इनके पिताजी भी इनके पालन पोषण में पूरा ध्यान देते थे। जबकि सामान्य रूप से क्या होता है कि केवल माँ ही बच्चों की परवरिश में सबसे ज़्यादा ध्यान देती है, लेकिन यहाँ पर माँ परवरिश में ध्यान नहीं देती थी, लेकिन माँ के अलावा परिवार के जितने भी लोग थे वे इन बच्चों को अच्छी तरह से पालने पोसने पर पूरा ध्यान दिया करते थे। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। माँ घर का कोई काम नहीं कर पाती थी, कोई मेहनत वाला काम नहीं कर पाती थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे आज़ादी के मामले में बिल्कुल अनभिज्ञ थी, उनको कुछ पता ही नहीं था, वे केवल खाती थी और सोती थी, ऐसा भी नहीं था। वह भरपूर था, आज़ादी का जुनून उनके अंदर भरपूर था, और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थी, और अपने तरीके से वे स्वतंत्रता को निभाती भी रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए। अगर हम आज़ादी के प्रति जुनून रखते हैं, आज़ादी के प्रति तीव्र इच्छा रखते हैं, तो उतनी ही तीव्र इच्छा से उसे निभाना भी चाहिए। जिस तिस से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से, वे अपने तरीके से आज़ादी के प्रति जुनून रखती थी, देश की आज़ादी के प्रति और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के प्रति भी वे बहुत जुनूनी थीं। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया, ना उन्होंने कभी हमें लाड़ किया, यानी कि कभी सामान्य माएँ बच्चों को जैसे प्यार करती हैं वैसे लाड़ प्यार नहीं किया, ना हमारे लिए खाना पकाया, कभी इनके लिए खाना भी नहीं बनाया, और ना अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी, क्योंकि ये लड़कियाँ थीं तो इनको कभी यह सीख भी नहीं दी कि तुम्हें अच्छी पत्नी बनना है या अच्छी बहू बनना है। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी, एक तो वे बीमार बहुत रहा करती थी, दूसरे
वे घरबार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। लेकिन सबसे बड़ी बात यही थी कि उन्हें रुचि ही नहीं थी, उन्हें घर के कामों में, खाना बनाने में, बच्चों को पालने में, इस चीज़ में उनके अंदर अरुचि थी और इसी कारण वे यह काम नहीं करती थी। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, अधिकतर समय वे किताबें पढ़ा करती थी, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में, बाकी का जो वक्त होता था उसमें वे साहित्य की चर्चा किया करती थी, बातचीत किया करती थी साहित्य में कौन कौन सी नई रचनाएं आ रही हैं, या संगीत सुनने में, संगीत सुनने का भी उनको शौक था। और वे सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी, और ये काम भी वे बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी क्योंकि उनकी तबीयत भी खराब रहा करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें ना नाम धरते थे, ना उनसे आम औरतों की तरह होने की अपेक्षा करते थे। तो इतना सब कुछ होने पर भी उनका कोई नाम नहीं रखा जाता था, यानी कि उनकी बिल्कुल भी बुराई नहीं की जाती थी और ना ही उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे सामान्य महिलाओं की तरह काम करें। वे जैसी थी उन्हें वैसा ही उनके परिवार ने स्वीकार कर लिया था। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी? पूरा परिवार उन्हें इतना ज़्यादा क्यों चाहता था, उनके अंदर इतनी श्रद्धा क्यों रखता था जबकि ना तो वे अच्छी पत्नी का कोई कर्तव्य निर्वहन करती थी, ना वे अच्छी माँ का करती थी, ना ही अच्छी बहू का करती थी। हमारे समाज में पत्नी का, बहू का, माँ का, इनके लिए कर्तव्य निर्धारित किए हुए हैं और उन कर्तव्यों का वे ठीक से पालन नहीं करती थी, लेकिन उसके बाद भी पूरा परिवार उन पर श्रद्धा रखा करता था, उनका बहुत ध्यान रखा करता था। साहबी खानदान के रौब के अलावा एक तो सबसे बड़ी बात यही थी कि साहबी खानदान का रौब था क्योंकि उनके पिता साहब थे और उस बात का बहुत रौब था। इसके अलावा मेरी समझ में दो कारण आए थे, इसके अलावा और भी दो कारण थे जिनके कारण पूरे परिवार में उनका इतना सम्मान था। पहला, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, कैसी भी अवस्था हो वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। दूसरा, वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। अगर कोई उन्हें अपनी कोई गुप्त बात बताता था तो वे उस बात को गोपनीय ही रखती थी, दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था। पहला जो कारण था कि उनके पिता साहब थे और वे साहबी खानदान से थी, उसके कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था। दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती, और जो दूसरा कारण था जो कि उनकी सच्चाई थी और उनकी निष्पक्षता थी, उसके कारण उन्हें बाहर वालों की दोस्ती मिली हुई थी। दोस्त वे हमारी भी थी, दोस्त वे इन बच्चों की भी थी, बच्चे भी उनसे सब तरह की बातें कर सकते थे, अपनी सारी इच्छाएं अनिच्छाएं उन्हें बता सकते थे। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे क्योंकि इनके पिता जो थे वे उनकी माँ की भूमिका निभा देते थे। जिस तरह से माँ अपने बच्चों का ध्यान रखती है, खाने पीने का ध्यान रखती है, पहनने ओढ़ने का, पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखती है, उसी तरह से इनके पिता भी बच्चों का बहुत ध्यान रखा करते थे। तो इनके पिता तो माँ की भूमिका में थे और माँ एक मित्र की भूमिका में थी। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, कि इनके घर में इतनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी कि बचपन में भी अगर किसी के नाम चिट्ठी आती थी तो कोई दूसरा यह नहीं पूछता था कि उस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है, भले वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों ना हो और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी में वह उभरिया नहीं। चाहे वह चिट्ठी एक बहन ने दूसरी को लिखी हो और माँ परेशान हो कि वह बीमारी से उभरी है या नहीं उभरी है, कि वह बीमारी से ठीक हुई है या नहीं हुई है, इतना होने पर भी उनके घर में कोई एक दूसरे से यह नहीं पूछता था कि तुम्हारे पास जो चिट्ठी आई है उसमें क्या लिखा हुआ है। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व, निजत्व होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तो अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाए रखने की छूट थी। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गया। यही जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिली, इसी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का लाभ उठा करके हम 3 बहनें और
एक भाई लेखन के हवाले हो गए, यानी कि हम लेखक बन गए। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत होती। लीक से खिसके हुए यानी कि अपरंपरागत, सामान्य रूप से सबसे अलग। तो लीक से खिसके हुए जो हमारे पूर्वज थे, पूर्वज कहा जाता है बच्चों हमारे जो पुरखे होते हैं, हमसे पहले जिन्होंने हमारे परिवार में जन्म लिया होता है। तो लेख से किसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी, लेखिका की माँ और लेखिका की नानी तो सबसे अलग थी ही। इसके अलावा अपनी एक परदादी भी थी, इनकी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था, जिन्हें कतार से यानी कि पंक्ति से अलग चलने का शौक था। वे भी सामान्य महिलाओं से बहुत अलग थी। बच्चों इस पाठ में लेखिका अपने परिवार की महिलाओं के बारे में बता रही है जो कि परंपरागत नहीं थी, जो कि लीक से हटके चला करती थी, सबसे अलग थलग वो अपने निर्णय किया करती थी। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी दो से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगी। उन्होंने ऐसा व्रत ले रखा था कि दो के अलावा अगर उनके पास तीसरी साड़ी हो जाएंगी तो साड़ी को वे दान कर देंगी। फजल का अर्थ होता है बच्चों अनुग्रह या दया। तो खुदा के फजल से यानी कि भगवान की दया से, ईश्वर की दया से अगर कभी उनके पास में दो से अधिक साड़ियाँ हो जाएंगी तो वो उस तीसरी साड़ी को दान कर देंगी। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती। तो क्योंकि लेखिका जैन समाज में थी और जैन समाज में अपरिग्रह को अच्छा माना जाता है। अपरिग्रह का अर्थ होता है एकत्र ना करना, कि कुछ भी इकट्ठा नहीं करना है हमको। तो इस कारण से अपरिग्रह की जो सनक थी, जो पागलपन था, उसको बिरादरी बाहर हरकत नहीं माना जाता था, उसको खराब नहीं माना जाता था। इसलिए वहाँ तक तो ठीक था, इसलिए यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। लेकिन उनकी सनक का, उनका लीक से अलग हटके चलने का जो जलवा है वो पहली बार तब देखने को भी मिला जब लेखिका की माँ गर्भवती हुई, यानी कि उनके बच्चा होने वाला था। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। तो उन्होंने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी कि मेरी जो पोते की पत्नी है उसके पहला बच्चा लड़की ही होनी चाहिए। यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। अब बच्चों यह जो मन्नत थी, यह जो इच्छा थी, यह बिल्कुल गैर रवायती इच्छा थी। यह जो इच्छा थी बिल्कुल परंपरागत नहीं थी। सामान्य रूप से परिवारों में पहला बच्चा लड़का ही माना जाता है, और उस समय तो और भी ज्यादा पुराने विचार थे लोगों के। तो उस समय तो लड़कों की बहुत ज्यादा इच्छा किया करते थे, परिवार के लोग यही चाहते थे कि पहला बच्चा लड़का ही हो। तो गैर रवायती यानी कि गैर परंपरागत मन्नत यानी कि इच्छा, ईश्वर से प्रार्थना मांग कर भी उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। तो यह भगवान से उन्होंने इच्छा की थी, यह भगवान से उन्होंने वरदान मांगा था, लेकिन इस वरदान को मांगने के बाद भी उनको चैन नहीं पड़ा तो उन्होंने इसे पोशीदा नहीं रखा। पोशीदा का अर्थ होता है गुप्त, छुपाकर। तो इस बात को छुपाकर नहीं रखा बल्कि सरेआम सब लोगों के सामने उसका ऐलान कर दिया, उसके बारे में बता दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए, लोग आश्चर्यचकित रह गए, उनके मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि इस तरह की वरदान, इस तरह की इच्छा तो कोई भी नहीं करता था। उनके फितूर की, यह जो उनका पागलपन था, यह जो उनकी सनक थी, उसकी कोई वाजिब वजह ढूंढे ना मिली। वाजिब वजह यानी कि सही कारण समझ में नहीं आया कि यह मन्नत उन्होंने क्यों मांगी, इसका क्या कारण था। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्याएं पैदा नहीं हुई, ऐसा भी नहीं कह सकते थे कि हमारा जो खानदान था, हमारा जो परिवार था, उसमें पुश्तों से यानी कि पीढ़ियों से कोई कन्या, कोई लड़की पैदा ही नहीं हुई। इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी। तो ऐसा भी नहीं था कि पहले कोई कन्या नहीं हुई, इस कारण वे कन्यादान करना चाहती हैं और इस कमी को दूर करना चाहती हैं।
क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थीं, क्योंकि इनके परिवार में पहले भी काफ़ी कन्याएं थीं, पहले भी काफ़ी बच्चियां थीं। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। हाँ, यह बात जरूर थी कि पहला बच्चा हर बहू के बेटा ही होता था, लड़की नहीं होती थी। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, लेकिन माँ ने किसी को भी कोई सफाई नहीं दी और उन्होंने तो सबको ये बता दिया कि मैं तो पहला बच्चा लड़की ही चाहती हूँ और मैं तो भगवान से प्रार्थना कराई हूँ। बल्कि बदस्तूर लगातार मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। वे लगातार मंदिर जाती थी और लगातार ईश्वर से अपने लिए यह मन्नत, यह वरदान मांगती रही। पूरा नकुड़ गांव जानता था, पूरा गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है। उस गांव में माँ जी की ऐसी प्रसिद्धि थी कि पूरा गांव यह समझता था कि माँ जी का तो भगवान के साथ में कोई तार जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं भगवान के साथ इनका कोई कनेक्शन है। बेतार का तार, उस तार को बेतार का तार कह सकते हैं जिसमें कि कोई तार नहीं हो, केवल वह बेतार का ही हो। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता। इधर जैसे ही माँ जी तार को खींचती, वैसे ही उधर टन से तथास्तु, यानी कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो बजता, यानी ईश्वर उनकी हर इच्छा को पूरा करते थे, ऐसी उनकी पूरे गांव में प्रसिद्धि थी। मेरी दादी तो पहली मर्तबा यानी पहली बार में ही तैयार हो गई थी, इस कारण इनकी दादी को तो पहली बार में ही समझ में आ गया था कि इनके घर में पहले जो बच्चा होगा वह पुत्री ही होगी, कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान ना रहा होगा। लेकिन माँ जी की यानी दादी की जो आरजू थी वह किस तरह रंग लाएगी, उनकी जो इच्छा थी वह किस तरह से फलीभूत होगी, इसका उन्हें भी गुमान ना था, इसका उन्हें बिल्कुल भी अंदाज नहीं था। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन करके, लड़की की गैर वाजिब यानी कि बिल्कुल ही बेकार, जिसका कि कोई अर्थ नहीं है, जो कि अपरंपरागत है, ऐसी जुस्तजू, जुस्तजू का अर्थ होता है खोज, कि कोई लड़की को भी खोज सकता है, कोई कन्या को भी मांग सकता है, यह सुनकर भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए। यह सुनकर के भगवान भी आश्चर्यचकित हो गए और वह अफरा तफरी में यानी कि जल्दबाजी में आ गए। उनको समझ में नहीं आया कि क्या करूं, कि एक ना दो पूरी पांच कन्या एक के बाद एक धरती पर उतार दी। तो जो परदादी थी उनकी इच्छा को सुनकर के भगवान भी जल्दबाजी में आ गए, वो भी चौंक गए कि यह क्या समस्या है, और उन्होंने एक और दो नहीं बल्कि पूरी पांच कन्याएं पृथ्वी पर एक के बाद एक उतार दी। कहने का तात्पर्य यह है कि लेखिका के बाद और भी बहनें हुई थी, ये कुल मिलाकर पाँच बहनें थी। भगवान को क्या कहें, अब भगवान के लिए क्या कहा जाए। माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। जो माँ जी थी उनके सामने तो बड़े बड़े नामी चोर होते थे, वे भी अफरा तफरी में आ जाते थे, वे भी डर जाते थे, घबरा जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। इनकी जो माँ जी थी और चोर था उसका एक किस्सा था जो इनके परिवार में बहुत प्रसिद्ध था, वो इन्होंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुश नसीबी हाथ आई थी और चोर को देखने का अवसर भी मिला था। तो बच्चों, हमने आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका का दूसरा अध्याय मेरे संग की औरतें का पहला भाग पढ़ लिया है। हमने पढ़ा कि लेखिका के परिवार में जो महिलाएं हुई थी वे कितनी अपरंपरागत थी, सबसे कितनी अलग थी। अब इसमें जो यह बाद में चोर का किस्सा बताया गया है, यह मैं आपको अगली कक्षा में पढ़ाऊंगी और उस अगली कक्षा को आप लेना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।